उत्तर प्रदेश में फायरिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला शाहजहांपुर महानगर के जेल रोड स्थित पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी के घर के सामने का है, जहां एक दबंग युवक द्वारा देसी तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैलाई गई है, जिसका फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने पोस्टमार्टम हाउस कर्मचारी के घर की गोलीबारी मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के पीएम हाउस की है। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के पोस्टमार्टम हाउस का है, जहां पर महिला अपने परिवार के साथ रहती है। करीब दो माह पूर्व लाश ढूंढने वाले प्रमोद पांडे उर्फ बाबा ने महिला के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत की शोर मचाने पर महिला का भाई मौके पर आ गया, लेकिन आरोपी युवक महिला के पति और भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई न होते देख विगत दिवस कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े महिला के दरवाजे पर फायरिंग कर दी थी, जिसका फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला ने सदर बाजार थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरी 15 तारीख में एक बाबा आते हैं जिला अस्पताल से, तो उनसे मेरी लड़ाई हुई थी 15 तारीख लगभग 3 बजे के टाइम। तो बाबा की नीयत ठीक नहीं थी हमारे ऊपर, तो हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। हम जैसे ही अपने घर में गए तो बाबा तुरंत पीछे से आ गया, उसने हाथ बात पकड़ा, तो इस बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो उस टाइम तो वो भाग गया, कुछ लाश वाले थे उन्होंने बीच बचाव करा, वो लोग तो चले गए। फिर उसके बाद वो बाबा भी चला गया। लेकिन कल 17 तारीख में लगभग ऐसी टाइम था 3-4 बजे का, तो हम अपने घर पे थे और मन्नू मेरे यहाँ काम कर रहे थे, वो यहाँ थे नहीं। तो जैसे ही हमारे दरवाजे पर फायरिंग हुई, मुझे लगा कि फायरिंग हुई है। तो फायरिंग के दौरान जैसे मैं जब तक निकली जब तक वो कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने हमारे दरवाजे फायरिंग करी, तो वो जा चुके थे, और जब तक हम आए जब तक वो लोग भाग गए।